जाने की बात थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें वहां तक जाने नहीं दिया, बैरिकेडिंग लगा दी, तो आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी गुरु रविदास प्रेमियों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिपाहियों को, बहुजन समाज के जुड़े महापुरुषों के सभी सिपाहियों को जय गुरुदेव, जय भीम, जय गुरु वाल्मीकि जी बोलना चाहूँगा। और आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि पुलिस ने हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया है, और पुलिस हमें कब तक रोकेगी? एक ही रास्ता है, हमारे गुरु घर को हमें वापस दो, हमारे छान में बच्चों को रिहा करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी ये बैरिकेडिंग वगैरह सब छोटे पड़ जाएंगे। हम कोई संघर्ष करने नहीं आए हैं, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम लोग बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और अपनी मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे गुरु का 510 वर्ष पुराना मंदिर यहाँ पर तोड़ दिया गया, जो तुगलकाबाद धाम के नाम से दुनिया में मशहूर था, और हमारे छान में बच्चों को वहाँ मत्था टेकने जो गए थे उनको एक महीना पहले पकड़ लिया गया और जेलों में डाल दिया गया, उन पर विभिन्न धाराएं ऐसी लगा दी गई हैं जैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सके। तो हम तमाम समाज के लोग छान में बच्चों के साथ हैं जो गुरु घर के कारण जेल में बंद हुए हैं। तो हमारा अगला कदम ये है कि सरकार ने अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी तो हम 10 तारीख में भगवान गुरु रविदास जी के पावन चरणों में तुगलकाबाद धाम के अंदर एक ऐसा इतिहास रचेंगे जो ये देश पूरे जीवन पर्यंत याद रखेगा। 21 तारीख में उतना पब्लिक जो आई थी दिल्ली में, कहीं उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके 10 तारीख को भगवान गुरु रविदास जी के द्वारों को खोलने के लिए और उनके चरणों में पूजा अर्चना करने के लिए ये पब्लिक 10 अक्टूबर को वहां पहुंचेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, अभी आप देख रहे थे कुछ बच्चों के माता पिता आए थे, उनका धैर्य जवाब दे रहा है, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ये जिम्मेवारी सरकार की है, ये जिम्मेवारी यहाँ के कोर्ट की है, और कोर्ट और सरकार को समझ जाना चाहिए कि वो जनता के लिए है, जनता का खून पीने के लिए नहीं है। इसलिए हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो ये आज का धरना दिया गया है, आज जो तुगलकाबाद के लिए हम कूच कर रहे हैं, ये इसका कारण है हमारे छान में बच्चों को रिहा करो, और हमारे जो गुरु घर का जो आपने मंदिर गिराया है उस मंदिर के लिए, उस जमीन को गुरु रविदास जयंती समारोह समिति तुगलकाबाद के लिए वापिस करो, हमारे समाज को वहाँ मंदिर बनाने का मौका मिले, हमें पूजा पाठ का मौका मिले, हमारे मौलिक अधिकार हमें मिल सकें। संत सुखदेव बागमारे जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, 10 तारीख की जैसे घोषणा की जा रही है अगले महीने की कि वहाँ पे जो है इस देश के अंदर 40 करोड़ गुरु संत गुरु रविदास जी के मानने वाले भक्त रहते हैं, तो उन भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे 10 तारीख के लिए? देखिए, सबके मन को ठेस पहुँचे, सबकी आस्था वहाँ दर्शन करने के लिए ये कुल है, और सब लोग जो है चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द हमारा गुरु जी का दरबार बने और वहाँ हमारी पाठ पूजा का अधिकार हमें मिले। और जो बच्चे हमारे आज वो सरकार के ताबे में जेल में है, बिना शर्त सरकार उनको छोड़ दे, इसलिए ये संघर्ष हमारा चल रहा है। और जब तक ये पूरा नहीं होगा, दोनों बातों मांग हमारी पूरी नहीं होगा, तब तक ये देश दुनिया में संघर्ष ऐसा ही चालू रहेगा। आगे आगे अगर सरकार को, तो हमारा ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप बहुत जल्द इसको ये करना, नहीं तो आगे अगर ये आंदोलन बिगड़ जाएगा तो ये जवाबदारी हमारी नहीं होगी, ये सरकार की जवाबदारी होगी। अशोक कुमार जी, आप देखा जाए तो पिछले 1.5 महीने से जब से ये संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आप पूरी कंधे से कंधा मिला के ये काम कर रहे हैं, तो अगले जो 10 तारीख की घोषणा की जा रही है, तो आप किस तरीके से जो 40 करोड़ लोग हैं उनमें से कितने लोगों को यहाँ लाने का काम कर पाएंगे दिल्ली के अंदर? देखिए, हमारी हमको लाने की जरूरत नहीं, लोग ही खुद आएंगे। हम लोग तो केवल गुरुजी के प्रेरणा लेकर हम साध संगत को, तमाम रविदासी समाज को, दलित समाज को और तमाम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, सांस्कृतिक स्वतंत्रता बनी रहे, लोगों के साथ अन्याय ना हो। हम उन सबका आह्वान करना चाहते हैं कि 10 अक्टूबर को तुगलकाबाद चलो, तुगलकाबाद चलो, 10 अक्टूबर को 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 तुगलकाबाद चलो। जय गुरुदेव, जय भीम, जय गुरुदेव।
जो बोले गुरुदास महाराज की जय। गुरु का मंदिर कहाँ बनेगा? अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।